श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेके आई हूँ, पितृदोष। पितृदोष बहुत ज़्यादा कई बारी होता है किसी की कुंडली के हिसाब से, कुंडली में पितृदोष लग रहा होता है, और पितृदोष कभी कभी घर में भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पितृ पक्ष में क्या क्या आप उपाय करेंगे जो कि पितर आपके शांत हो जाएं और खुश हो जाएं, आपको भर के आशीर्वाद दें और आपके घर में धन संपदा की कमी ना हो। तो कई बारी क्या होता है, पितर दोष अगर होता है कुंडली के हिसाब से, पितर हमें परेशान कर रहे होते हैं, तो हमारे घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, धन लेके आते हैं, लेकिन आपके हाथ में बिल्कुल भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, अच्छे से बरकत नहीं हो पाती, मतलब कि तो बरकत नहीं होती। और ज़्यादा अगर पैसा आता है कम, 500 मान लो आए और खर्चा आपका 700 हो गया, तो हद से ज़्यादा खर्चा हो जाता है और कर्जा बन जाता है। तो पितर पक्ष के ऐसे ही कुछ अगर पितर हमें दोष परेशानी कर रहे होते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे ही होते संकेत जो कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, धन की कमी रहती है, आर्थिक समस्या चल रही होती है, या आपकी नौकरी लगती है छूट जाती है, कोई भी काम में आप हाथ लगाते हैं एकदम ऐसी अड़चन आ जाती है और ऐसी दिक्कत आती है। और सबसे ज़्यादा धन को लेके अगर पितृ दोष है हमें या पितृ हमारे परेशान करते हैं, तो हमारे घर में धन की कमी। तो पितर पक्ष में हमें पितरों को हमेशा याद करना चाहिए और समय समय पे याद करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या का दिन होता है, तब भी हमें उस दिन पे ज़रूर खाना निकालना चाहिए। जैसे खाना बना हुआ निकाल दें या तो फिर कच्चा खाना निकाल दें, जैसे आटा हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, और खाने की चीज़ें हैं, पैसे हैं, कुछ दक्षिणा रख के आप मंदिर में पहुँचा दीजिए। या तो आप खाना बनाइए और कौवे को निकाल दें, कुत्ते को निकाल दें, गाय के लिए निकाल दें और पंडित जी को पहुँचा दें मंदिर में। ऐसे दान पुण्य कुछ करने से पितर हमारे खुश रहते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। और जब भी धरती पर, जैसे कि अभी ये पितर दोष वो पक्ष लग रहा है, तो इस टाइम पे दक्षिण दिशा की तरफ से कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ से पितर हमारे घर तक प्रवेश करते हैं और आते हैं। जब आते हैं तो हम ये पितर दोष में हम डेढ़ी के ऊपर जो हमारा दरवाज़ा होता है, इसके मुख्य द्वार पे जो डेढ़ी होती है, हम वहाँ पर उनको स्थान देते हैं। दोनों तरफ डेढ़ी पूजी जाती है और कहते ना कि मतलब जल वगैरह देते हैं और अगरबत्ती फूल वगैरह चढ़ाते हैं, ऐसा नियम करते हैं। हम अगर नहीं याद करते हैं तो वो हमें परेशान भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिक्कतों के साथ हमें, जो कि हम सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन हमें समय समय पर अपने पितरों को याद करना चाहिए। कहते हैं भगवान को याद करो ना करो, लेकिन पितर को हमेशा याद करना चाहिए। वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं और इसकी वजह से हमें कभी भी तकलीफ़ और दुख नहीं होता। अगर हम अगर कोई भी कमी करते हैं, दिक्कत करते हैं मान लो, तो उनका एक किस्म से हमें श्राप मिलता है, दूसरा हम उन्हें याद नहीं करते, तो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं हमारे या हमारे बच्चों के कुंडली में वही पितर दोष लग जाता है। तो पितर की शांति के लिए फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और जल्दी से वो शांत नहीं होते। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। हमें हर रोज़ जैसे 29 तारीख से और 14 अक्टूबर तक, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितर दोष है, पितर पक्ष है, तो उस दिन तक हमें एक ना एक दिन हमें कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पितर जो हैंगे वो हमारे से खुश रहें और हमारे से खुश होकर वो अपने फिर स्वर्ग लोक जाएं जहां से वो आए। और तो इस तरीके के हमें उपाय ज़रूर करने चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और खाना पीना हर टाइम बनाना चाहिए और थोड़ा बहुत हमें उपाय करना चाहिए। तो उपाय कैसे करने हैं पितर पक्ष में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपने उपाय करने हैं जिसकी वजह से हमें कोई समस्या ना हो। धन की जैसे समस्या बन जाती है, कभी आर्थिक समस्या चलती है, कभी हमें हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, हम या तो ऐसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, ऐसी इतनी हमारी गिर्द इतनी समस्या बन जाती है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें। क्योंकि पितर अगर हमारे नाराज़ होते हैं तो हमें ऐसी कुछ समस्याएं घर में बन जाती है, क्योंकि हम भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, तो फिर अगर हमारा किया हुआ हमारे बच्चों के आगे भी आता है तो फिर वो भी हमारे से देखा नहीं जाता। तो कभी भी हमें ऐसे अपने पितर पक्ष में जो पितर होते हैं उनको कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो आपको बता देती हूँ खास उपाय।
और उसके पहले आपको कहना चाहती हूँ, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और पितृ शांति के लिए एक लोटा जल आपने भर लेना है, भर के आपने कहाँ रखना है वो भी आपको बता देती हूँ। पितर पक्ष, अगर आपको पितर जैसे आपके परेशान कर रहे हैं या दोष है आपको पितरों का, तब आपने एक लोटा जल भर के जहाँ पे आप मटका अपना किचन में रसोई घर में रखते हैं वहाँ पर आपने एक लोटा जल रख देना है। रख के आपने वहाँ पे अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का नाम लेना है, अपना नाम लेना है और गोत्र का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए आपने वहाँ पर एक लोटा जल भर के रख देना है। आप ये सुबह 2 से 3 घंटे का टाइम का करें, जैसे कि 7 बजे से 10 बजे तक या 10 बजे से 12 बजे तक का आपने वहाँ पे एक लोटा जल जरूर भर के अपनी रसोई घर में पितरों का नाम लेते हुए रखना है, जहाँ पे आप अपना मटका रखते हैं पानी का भरा हुआ। और उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई भी पितर दोष लगा हुआ है तभी आपने वहाँ पर प्रार्थना करते हुए आपने उसके ऊपर जो अक्षत रखा है, चावल जो रखा है लोटे के ऊपर जो ढक के रखा हुआ है उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख दें, और रख के फिर प्रार्थना करते हुए आपने इस लोटे के जल को ले जाके तो क्या पता है आपको कि पितर पक्ष में 2 सब्जियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 सब्जियां घर में अगर आप बना लेते हैं पितर पक्ष में तो आपके पितर बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। कभी भी भोजन जब भी आप बनाएं तो गोभी की सब्जी और कभी भी सीताफल जिससे पेठा बनता है मीठा खाने वाला पेठा, उससे वो सीताफल कभी भी कद्दू जिसको बोलते हैं वो कभी भी ना बनाएं जब भी आप पितर पक्ष का खाना बनाते हैं। ऐसा कर अगर बनाते हैं आप ये 2 सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और जब भी आप इसमें बनाएं तभी आप तोरी की सब्जी बना सकते हैं, अति उत्तम होती है, उड़द की दाल होती है और इसमें चावल की बनी हुई खीर इन और पूड़ी इन सब चीज़ों की सब्जी बनाई जाती है, और दही का जो वड़ा होता है वो वड़ा बना सकते हैं। उड़द की दाल का ही ज़्यादातर इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके का खाना अगर आप बना के अपने पितर को खिलाते हैं पितर पक्ष दोष में पितर पक्ष में,
तो फिर ये आपके पितर आपसे पसंद हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और आपसे ज़्यादा पसंद रहते हैं और वो खुशी खुशी होकर स्वर्ग जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो इस तरीके का खाना बनाकर अपने पितरों को ज़रूर खिलाएं। इसलिए कहते हैं कि ना तो जब भी आप दीपक जलाएं ना तो उत्तर दिशा, ना पूर्व, ना पश्चिम दिशा की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं रखना गलती से भी, क्योंकि उसका जो फल होगा वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जब भी आप पितर पक्ष का जब भी खाना ब्राह्मण को खिलाते हैं तो ब्राह्मण का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप उनको बिठाते नहीं हैं, तो जो भी आप भोजन करवा रहे हैं ब्राह्मण को, तब आपके पितर को बिल्कुल भी वो नहीं मिलते और साथ ही साथ उसका जो फल होता है वो भी आपको नहीं मिल पाता। तो इसलिए कहते हैं पितर पक्ष के टाइम पे जब भी आप ब्राह्मण को भी खाना अगर खिलाते हैं तब भी आपने दक्षिण दिशा की तरफ ही फेस रखना है। ऐसा करने से बिल्कुल जितने भी पितर दोष लगा होता है कुंडली के हिसाब से वो एकदम ख़त्म हो जाता है और शांत हो जाते हैं। पितर भी आपसे खुश होते हैं, इसका फल भी हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए याद करके जब भी कभी भी पितर पक्ष में दीपक जलाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, जब भी खाना किसी को खिलाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय को आप खिला रहे हैं, चाहे आप कुत्ते को खिला रहे हैं, तो आपका आप देख लें कि किस तरीके का फेस है, ये देखकर ही आप ऐसा खाना खिलाएं कि उसका फल आपको पुण्य प्राप्त हो। और जो एक लोटा जल आपने भर के रखा है जहाँ पे आप अपना मटका रखते हैं पितरों के नाम से, 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में रखें, और उसके बाद जो उसके ऊपर अच्छत के चावल रखे हैं और उसी के अंदर एक पंचमुखी रुद्राक्ष आप डाल दें उसके अंदर। और पंचमुखी रुद्राक्ष डालने से क्या होगा, आपका जो भी पितृ दोष है एकदम शांत हो जाएंगे। और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए आपने क्या बोलना है कि आपको धन समस्या जो है, आपके जो कार्य रुक जाता है, आपका जो व्यापार रुक जाता है, आपको जो नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या किसी का विवाह नहीं हो रहा, या आपकी कोई परीक्षा रह जा रही, कोई भी दिक्कत है, जो भी आपकी समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, पैसों को लेके, नौकरी को लेके, तो आप ये सारी समस्या वहाँ पे प्रार्थना अपने पितरों से करते हुए कि हमारा सभी कुछ बढ़ाएं, हमारी सारे दुख संकट को काटें। और ऐसा करते हुए वो एक लोटा जल 12 बजे आप उठाएं, वहाँ से उठा के ले जाके किसी भी शिव मंदिर में ले जाके चढ़ा दें। और जो रुद्राक्ष वहाँ पर चढ़ाया आपने जल के लोटे में डालकर, वो रुद्राक्ष घर ले आएं उठा के, और लाने के बाद अपनी धन वाली जगह पर उसको रख दें। ऐसा करने से आपके पितर दोष भी आपसे मतलब कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो पितर पक्ष में जो पितर हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आपकी जो धन की समस्या चल रही थी, व्यापार की समस्या चल रही थी, किसी बच्चे की शादी रुकी है, इंटरव्यू रुका है, कोई भी कार्य जो रुक गया था एकदम ही होने लगेगा। तो इस तरीके के उपाय ज़रूर 15 से 16 दिन तक आप ज़रूर करें पितर पक्ष पे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ खास उपाय के साथ, ऐसी ही आपको मार्गदर्शन देती रहूँगी और ऐसी वीडियो देती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना, और जब भी एक लोटा जल चढ़ाया करें शिव भगवान को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र करते हुए चढ़ाएं, आपकी जो भी समस्या होगी एकदम सारी समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कार्य ज़रूर करें। आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।